रामानंद सागर की रामायण के हर एक्टर ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। सभी स्टार्स ने अपने अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया। जब भी भगवान राम लक्ष्मण सीता का जिक्र होता है तो एक्ट्रेस के चेहरे आंखों के सामने आ ही जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार निभाया था दारा सिंह ने। दारा सिंह टीवी की रामायण में हनुमान बने थे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रामानंद सागर ने कैसे दारा सिंह को इस रोल के लिए कास्ट किया। आपको बता दें कि दारा सिंह का पूरा नाम दीदार सिंह रंधावा है। इनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब में हुआ था। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर के मुताबिक पिता जब रामायण की कास्टिंग कर रहे थे तो हनुमान के रोल के लिए उनके दिमाग में एक ही नाम था और वो था दारा सिंह। पापा ने दारा सिंह को फोन किया और कहा, दारा आप मेरे नए टीवी सीरियल में हनुमान का रोल कर रहे हैं। खबर ये है कि इस पर दारा सिंह थोड़े हिचके थे। दारा सिंह ने रामानंद सागर से कहा था, मैं अब करीब 60 साल का हो गया हूँ, आप किसी यंग एक्टर को कास्ट करिए। इस पर रामानंद सागर ने कहा, आप हनुमान हो, आप बेस्ट हो, बस फिर क्या। दारा सिंह उनकी बात टाल नहीं सके, बाकी तो हिस्ट्री बन गई। हालांकि दारा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने के बाद सुबह 7:30 बजे दम तोड़ दिया। हाल ही में दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने पिता की आखिरी इच्छा बताई थी। बॉलीवुड लाइफ की खबर के मुताबिक विंदु दारा सिंह ने बताया था कि उनके पिता की आखिरी इच्छा रामायण को फिर से देखना थी। बता दें कि दारा सिंह 3 बार हनुमान का रोल निभा चुके हैं। साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म जय बजरंग बली में सबसे पहले हनुमान का रोल निभाया था। इसके बाद वो रामानंद सागर की रामायण में हनुमान बने और तीसरी बार वो बीआर चोपड़ा के टीवी शो महाभारत में हनुमान के रोल में थे। वैसे दोस्तों, रामायण में हनुमान का किरदार आपको कैसा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।